नमस्कार, मैं राजकुमार कुशवाहा। मैं आज आपको दिखाऊंगा, ठंडी के महीनों में मैंने मकई लगाया था और चेक करने के लिए 20 से 22 दाने मैंने लगाया था। अभी मैं खेत पर ही मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं मकई के भी पेड़ हैं, ये देखिए, और बाल भी आ चुके हैं, पूर्ण रूप से तैयार है। तो क्या हम ठंडी के महीनों में मकई लगा सकते हैं? इसलिए मैंने चेक किया, क्या वाकई में ठंडी के महीनों में मकई के पेड़ सही सलामत और बाल और उस बाल में लगे दाने का सही सलामत होंगे। तो चलिए आज हम चेक करते हैं पूरा विधिवत। मकई तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं मकई का पेड़, और इसे हम चेक करते हैं, इसमें पूर्ण रूप से दाना ले लिया है, ये देखिए पूर्ण रूप से दाना ले लिया है, बेहतरीन दाना। ऐसा नहीं है कि हम किसी को चेक कर रहे हैं, देखिए थोड़ा सुग्गा तोता खा लिया है, देखिए इसमें दाने लगे हुए हैं पूर्ण रूप से दाने। तो हम ठंडी के महीनों में भी मकई लगा सकते हैं और पूर्ण रूप से उसमें बाल सही सलामत होंगे। आप देख सकते हैं मकई के पौधे, मैंने 20 दाने लगाया था चेक करने के लिए, और बाल भी बड़े बड़े हैं, ये देखिए लंबे लंबे बाल, जिसमें दाने मैं आपको दिखाई दिया हूं और इसमें दाना ऊपर ही दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ठंडी के महीनों में मकई लगा सकते हैं खेतों में और बाल भी अच्छे होंगे, ये देखिए, और इस तरफ भी है। पूर्ण रूप से मकई के पेड़ देख रहे हैं आप, और अच्छे बाल, लंबे लंबे बाल लगे हुए हैं, ये देखिए बाल। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा पूरा पेड़ मकई के दाने, 20 से 22 दाने मैंने लगाया था चेक करने के लिए, क्या ठंडी के महीनों में मकई हो सकते हैं? आपने पूरी गतिविधियां देख ली। जी हाँ, बरसात के महीनों में अक्सर मकई लगाए जाते हैं, अब ठंडियों के मौसम में भी आप मकई लगा सकते हैं, क्योंकि साक्षात मैंने रिजल्ट देख चुका हूँ। तो आप ठंडी के महीनों में भी मकई की खेती आप कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।